सड़क किनारे लगा मील का पत्थर तो आपने देखा ही होगा, जिस पर किसी स्थान की दूरी व उसका नाम लिखा होता है। हिन पत्थर को अक्सर दो रंग से मिलकर बनाया जाता है। यह पीला सफेद, हरा सफेद, काला सफेद और केसरिया सफेद रंग का होता है। माइलस्टोन पर ऐसे रंगों का क्या मतलब होता है, क्या आप जानते हैं? इसमें खास स्थान की दूरी कैसे आकी जाती है, तो आइए जानते हैं। सड़क पर चलते वक्त या ड्राइव करते वक्त ऐसे पत्थर नजर आए तो कम से कम आपको इनके बारे में पता तो हो। नंबर एक, मील के पत्थर पर पीले रंग की पट्टी। अगर सड़क पर चलते वक्त या ड्राइव करते वक्त किनारे पर ऐसा पत्थर दिखे जिसका ऊपरी हिस्सा पीले रंग का हो, तो समझ जाइए कि आप नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं। नंबर दो, मील के पत्थर पर हरे रंग की पट्टी। जब आपको सड़क पर हरे रंग का मील का पत्थर दिखाई दे, तो समझ जाइए कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं बल्कि राज्य राजमार्ग या स्टेट हाईवे पर चल रहे हैं। नंबर तीन, मील के पत्थर पर काले, नीले या सफेद रंग की पट्टी। जब आपको सड़क पर काले, नीले या सफेद रंग की पट्टी वाला माइलस्टोन दिखाई दे, तो समझ जाइए कि आप किसी बड़े शहर या जिले में आ गए हैं। नंबर चार, मील के पत्थर पर नारंगी रंग की पट्टी। जब आपको सड़क किनारे नारंगी पट्टी वाला माइलस्टोन या मील का पत्थर दिखता है, तो समझ जाइए कि आप किसी गांव या फिर गांव की सड़क पर है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और भी आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।